आज का हमारा एपिसोड है क्या खोया क्या पाया। भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है और ये विषय जो है निष्कर्ष को जाता है, ये विषय जो है उपसंहार करवाता है, ये विषय जो है समीक्षा का विषय है। ये जीवन के प्रतिदिन लागू होना चाहिए और पूरे जीवन पे हम प्रतिदिन, फिर उसके बाद में सप्ताह का, महीने का, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली करते रहेंगे तो जो है निश्चित रूप से हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। इसको हम दो तरह से लागू करते हैं क्योंकि हम दो तरह के संसार में जीते हैं। एक तो हमारा जो आंखें खोल करके जो हम देखते हैं वह हमारा जो जीवन होता है वो लौकिक जगत होता है, वो व्यवहार जगत होता है, और एक आंख बंद करके हम जब देखते हैं तो हमारा निश्चय जगत होता है। तो हम क्या खोया क्या पाया जो है दोनों लोक के ऊपर लागू करके फिर निष्कर्ष निकालेंगे, क्योंकि व्यवहार शुद्धि बिना निश्चय शुद्धि नहीं है। ये जो हम व्यवहार कर रहे हैं जन्म से मृत्यु तक का, ये व्यवहार हम पीछे से लेकर के आते हैं, उसी कारण ये जीवन मिलता है। अगर हमारा व्यवहार बाकी ना हो तो शरीर धारण नहीं कर सकती है। ये आत्मा इसीलिए शरीर धारण करती है कि कॉजल बॉडी अभी तक बैलेंस में है, जिसको लिंग शरीर, कर्म शरीर, सूक्ष्म शरीर कहा जाता है। जब तक ये जिंदा रहता है, लाइव रहता है, अहंकार लाइव होता है, कषाय लाइव रहता है, तब तक मनुष्य बार बार जन्म लेता है। और ये जो है वह कहना चाहिए एक तरीके से भ्रूण है, एक तरीके से ये जन्म लेने वाला जो है इसके अंदर जन्म लेने का जो कहना चाहिए इसमें पावर होती है। जैसे गेहूं होता है, गेहूं एक जो है पैदा होने वाला भ्रूण वाला गेहूं होता है जो कि पैदा हो जाता है, और एक जो होता है उसको जला दिया जाता है तो उसके यानी उसकी आत्मा मर जाती है, तो वह एक इंद्रिय जीव फिर पैदा नहीं हो सकता। तो उसके अंदर क्या डिफरेंस हुआ, गेहूं एक जो पैदा होता है और फलक निकलते हैं, और एक गेहूं ऐसा होता है जो कि फर्टिलाइज नहीं होता है, इसका मतलब मर गया, इसका मतलब उसका अहंकार शून्य हो गया, उसमें से आत्मा समाप्त हो गई। तो भाई और बहनों, हमें दोनों तरफ से करना है कि ये इस अहंकार के रहते रहते आत्मा 84 लाख जीवा योनि में नरक गति, तिरेंज गति, मनुष्य गति, देव गति, एकेंद्रीय, द्वेंद्रीय, त्रिएंद्रीय, चतुरेंद्रीय, पंचेंद्रीय में घूमती रहती, कर्मों के कॉजेस के अनुसार है। और यही जो है हमारा जो कॉजल बॉडी है, जो अहंकार है, ये अहंकार को नए को जन्म लेता, वॉल्यूम बढ़ाता है, और हम कुछ अपना पुरुषार्थ करके इसको घटा भी सकते हैं। जो इसका घटाना है वह पुरुषार्थ है, और इसका जो बढ़ना है वह हमारा जो कहना चाहिए वो हमारा उदय भाव है, हमारा प्रारब्ध है। तो हमें ऐसी क्या खोया क्या पाया में हमें ये अल्टीमेटली करना है कि अहंकार धीरे 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 कम होकर के जितना कम हो, इस जीवन की समीक्षा करनी है कि मैंने जन्म के अंदर हमारी जो कॉजल बॉडी थी, यानी हमको मेरे को क्रोध, अहंकार, माया, लोभ और इससे जुड़ी हुई जितनी प्रवृत्तियां कितनी आती थी, और अब धीरे 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 मृत्यु की तरफ बढ़ रहा हूं, एंड पे पहुंच रहा हूं, कितना कम हुआ है, जितना कम हुआ है वही पुरुषार्थ है। और वही वास्तव के अंदर मतलब हम कह सकते हैं कि मैंने पाया बहुत है, और पाता कब है आदमी, जब खोता है। बिना खोके खोकर के व्यक्ति पा नहीं सकता, क्यों कि हम जो है निश्चय जगत की बात करें कि हम जो है कषाय को खोते हैं जब हम मुक्ति को प्राप्त करते हैं, कषाय को पूरा खो देते हैं, जीरो हो जाते हैं, तो हम सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि ये जो कषाय है, ये जो अहंकार है, ये जो क्रोध मान माया है, ये कॉजल बॉडी है, यही अज्ञान है।